नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष, आपके लिए जरूरी खबर है। जी हां, न्यूज फॉर यूज है। यदि आप शादी ब्याह में, किसी समारोह में डेकोरेशन और टेंट लगाने का काम करना चाहते हैं तो आप इस प्रदर्शनी में जरूर आइए। ये भव्य प्रदर्शनी है और उन्हीं लोगों के लिए है जो टेंट और शादी ब्याह में पंडाल लगाने का कारोबार करते हैं, सजावट का काम करते हैं। क्या मकसद है इसका, इस आयोजन का बात करते हैं। आप बताइए क्या मकसद है इस तरह का आयोजन का? इस मकसद हमारा जो आज प्रदर्शनी लगा रही है, ये बिहार टेंट एसोसिएशन की पहली प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का यही महत्व है कि जो हमारे पूरे बिहार के जितने भी टेंट वाले हैं उनको जो सामान खरीदने के लिए कहीं दूर दूर जाना पड़ता है, कोई पानीपत, कोई करनाल, कोई लुधियाना, कोई मैंगलोर, लेकिन हमने ये प्रदर्शनी सभी दुकानदार पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े सप्लायर आए हैं ताकि उनको सही, सस्ते और बढ़िया आइटम का सामान मिल सके, वाजिब रेट पर मिल सके। कितना दिन चलेगा प्रदर्शन? ये हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है। 3 दिन कोई डेकोरेटर आकर अपने मनपसंद चीज़ें खरीद सकते? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ऐसा बिहार बहुत बड़ा है तो जरूर नहीं कि सारा आज आ जाए, क्योंकि कम से कम हमारे 10,000 लोग आएंगे तो धीरे धीरे आज जाएंगे, कोई कल आएंगे, कोई परसों आएंगे। तो आपने देख लिया, ये 2-3 दिनों तक प्रदर्शनी चलने वाली है और इस प्रदर्शनी में सबको आना चाहिए। मुझे लगता है कि जो टेंट और डेकोरेशन का कारोबार करते हैं उनको ही नहीं, हर किसी को आना चाहिए। आएंगे तो अंदाज लगेगा कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं टेंट और डेकोरेशन के क्षेत्र में, क्योंकि टेंट और डेकोरेशन का काम शादी ब्याह या किसी समारोह के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और बिहार में भी तो हजारों हजार लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन्हें टेंट और डेकोरेशन से जुड़े हुए सामानों की खरीद के लिए देश के कोने कोने में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आएंगे तो देश के कोने कोने से आए हुए डेकोरेटर्स यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ आकर देख सकते हैं क्या रेंज है डेकोरेशन का, सजावट का। जी हाँ, बताइए क्या मकसद है? मेन मकसद है बिहार में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो दिल्ली से जाके, बाहर से जाके काफ़ी परेशानियां होती है और वहाँ रेट भी 15% से 20% ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग बिहार में पहली बार आउटलाइन फैक्ट्री का ही शोरूम लाए हैं। इसमें हम लोग गांव-गांव में इसका प्रचार किए हैं, काफ़ी तादाद में लोग इस मेले में आके अपना रेट भी कम मिलेगा। और नई टेक्नोलॉजी जो आई है टेंट के क्षेत्र में, आप देख रहे होंगे हैंगर है, इसका भी फैक्ट्री आया है। आज पॉलिटिकल फंक्शन में जितने भी आप देख रहे होंगे एक हैंगर लग रहा है, तो इसका भी हम लोग जो जाते हैं बाहर में ठगा जा रहे हैं, हम लोग यहाँ लाए हैं आउटलाइन कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सामान खरीदें। अब देखिए खास खास चीज़ें क्या है। आइए, तो ये बिहार के बहुत मशहूर टेंट वाले हैं, प्यार से हम लोग इनको क्या कहते हैं बता दें? नहीं, चलिए तो आप देखिए, ये दिखा रहे हैं, ये आयोजक हैं तो दिखा रहे हैं कि देखिए किसी किस तरह के हैंडीक्राफ्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट है ये, आपका हैंडीक्राफ्ट है ये, आपका मेरठ से आए हैं, आप देख रहे होंगे। और आगे क्या है सब? ये आपका, फिर यहाँ आपका बगल में पौधे भी हैं, डेकोरेशन के सारे सामान, जो नई नई चीज आए हैं। हाँ, ये सब है तो इसको यहाँ लोग खरीद भी सकता है, खरीदने के लिए ही लगा ही है। अच्छा, ये जो यहाँ एग्जीबिशन लगे हैं खरीदने के लिए, ये राज कूलर है, आप देख लीजिए फैक्ट्री है। तो यहाँ पर आप टेंट के डेकोरेशन के सामान यहाँ खरीद सकते हैं और यहाँ आने पर आपको पता भी लग जाएगा, अंदाजा भी लग जाएगा कि देश भर में क्या क्या नया हो रहा है टेंट और डेकोरेशन के क्षेत्र में, कौन कौन उसका सप्लायर है। तो देखिए यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है और एग्जीबिशन 3 दिनों तक लगातार यहाँ पर चलेगा। श्याम रजक हैं बिहार सरकार के मंत्री, वो इसका उद्घाटन आज कर रहे हैं। लेकिन टेंट से जुड़े और डेकोरेशन से जुड़े हुए कारोबार में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, देखिए कितने बड़े बड़े कूलर्स जो पंडाल में लगाए जाते हैं कैसे होते हैं, उनकी कीमत क्या होती है वो देख सकते हैं, कैसे गेट और डेकोरेशन की सजावट होती है, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं डेकोरेशन के क्षेत्र में, टेंट के क्षेत्र में, उसको आप देख सकते हैं। तो शादी ब्याह में, बड़े फंक्शन में आप जाकर खूबसूरत जो पंडाल देखते हैं, आपको दिमाग, आपके जहन में सवाल उठता होगा कि कहाँ से आ गया, किसने बनाया, क्या इसका खर्च होगा, तो सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ आकर मिल जाएगा। देखिए टेंट डेकोरेशन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें यहाँ पर, एक से खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और क्या क्या खासियत है यहाँ?
सर यहाँ पे आप देख रहे हैं शादी से रिलेटेड जो भी सामान है आपको दिखेगा और काफ़ी संख्या में लोग दिखेगा और बाहर से ये लोग आए हैं यहाँ पे बाजार लगे हैं। पटना और बिहार के सभी दुकानदारों को इसका लाभ कम दरों पे उपलब्ध होगा। तो देखिए आपको टेंट में डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए एक से एक चीज़ें हैं, शायद आपने कहीं देखा भी नहीं हो। इसका उपयोग अब देश भर में हो रहा है तो बिहार के लोग भी करें, बिहार के जो डेकोरेटर्स हैं टेंट वाले हैं ऐसे डेकोरेट करें अपने टेंट हाउस को शादी ब्याह में और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी कमाएं। इस बात को लेकर, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारा आयोजन किया गया है। तो ये एग्जीबिशन काफ़ी अहमियत रखता है बिहार के डेकोरेटर्स के लिए, बिहार के 3D पर्दा है ये 3D पर्दा है, 3 डायमेंशन इंप्रेशन के लिए। इसमें आप तस्वीर देखेंगे आप तो ये 3D जैसा दिखेगा आपको पूरा, जैसे बाहर निकलता हुआ तस्वीर आता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? टेंट में। हाँ जी सर, टेंट में होगा और रेट फ्लेक्स से भी सस्ता है। कितना है? 1450 रुपये का 15x10 का, 150 स्क्वायर फीट, 10 रुपये स्क्वायर फीट से भी कम पड़ा सर। और कपड़ा बहुत हैवी है, किसी तरह से बॉयल भी कर लीजिएगा तो खराब नहीं होगा। पर्दा कितने का है? ये 1450 रुपये का। और सर एक यहाँ देखिएगा इधर, तो देखिए टेंट में डेकोरेशन के तौर पर आप इस पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर पर्दा है, ये कपड़ा है, बहुत मजबूत है, फ्लेक्स तो 2-4 महीना चलेगा मुश्किल से, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलेगा। 1450 रुपया में, और जो डिजाइन चाहिए आप बनवा लीजिए, जो डिजाइन का बनवाइए, जो भी बुद्धा का बनवाना चाहते हैं, वो बौद्ध गया का बनवाना चाहते हैं, किसी हेरिटेज सेंटर का बनाना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल का बनाना आपको ऑर्डर मैं देता हूं, मेरे यहां कोई आदमी भेजिए जो नाप ले। हाँ। और इस तरह का तस्वीर बनाए। हाँ बिल्कुल बना देंगे, ये हमारे दिलीप ठाकुर हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये आएंगे आपके पास। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत स्टॉल है, यहाँ पर आप पंडाल में अपने घर में सजावट में इस पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ देखिए रंग महल है, रंग महल की तस्वीर है, तो बहुत ही खूबसूरत है ये एग्जीबिशन। तो अब इसका शुरुआत हो चुका है पटना के मिलर स्कूल के ग्राउंड में, आपको जरूर आना चाहिए। आप डेकोरेटर हो या ना हो, टेंट हाउस चलाते हो या ना हो, आप अपने घर की सजावट की चीज़ें भी यहां से खरीद सकते हैं, पर्दा एक से एक है। तो आप जरूर आइए यहां पर। और यदि आप अपने सिटी पोस्ट चैनल का है आपका, तो इसका भी चाहेंगे लोगो, तो इसका लोगो भी हम छाप के दे सकते हैं, जितना जो साइज कहेंगे। आपको तो काम दे दिया मैंने, मेरा बहुत काम है। ये देखिए सर, जैसे आप ये स्नोफॉल दिखाना चाहते हैं आप, अच्छा, उसके लिए पूरी सीलिंग में तो स्नोफॉल दिखाने के लिए सीलिंग में दिया जा सकता है। तो जैसा रूप देना चाहे पंडाल को दे सकते हैं, घर को दे सकते हैं। तो अगर घर के सजावट की चीज़ें आपको चाहिए, अगर आप पंडाल और डेकोरेशन के कारोबार से जुड़े हुए, तो मिलर स्कूल ग्राउंड में जरूर आइए। आज से 3 दिनों तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है और इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 5.5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप भी कर लीजिए। मैं भी इस चैनल का फैन हूँ और इनकी जो जानकारी जो शेयर करते हैं इसका मैं कायल हूँ। बहुत तरीके से डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बताते हैं, ब्रीफ करते हैं, और आज मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आज इन्होंने इस कार्यक्रम को भी कवर किया और ये हमारे पास भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।